मैडम एक्शन क्वीन मधुबाला का मुहूर्त किया गया और आप बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग एक अंदर रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? हाँ जरूर जरूर, ये धीरज सेन जी म्यूजिक डायरेक्टर इसका और सन्नी जी डायरेक्शन कर रहे हैं और प्रोड्यूसर करण पाल सिंह, मनोज कुमार अग्रवाल, नवीन कुमार जी हैं। तो बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और मुझे गाना बहुत पसंद आया, अच्छा गाना हमेशा धीरज जी गवाते हैं और मज़ा आता है। मेरे साथ विनोद राठौड़ जी गा रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा हमेशा की तरह, है ना। बहुत सुंदर गाना है, कम्प्लीटली रोमांटिक सॉन्ग और बहुत मज़ा आ रहा है गाने के लिए और उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आएगा और हिट फिल्म हो जाए। मधुबाला नाम ही एकदम हमारी पुरानी एक बहुत बड़ी और सुंदर एक्ट्रेस का नाम है, नाम ही सुनकर लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे और ज़रूर देखेंगे फिल्म और मेरी बहुत शुभकामनाएं। इस फिल्म में जो मधुबाला है वो गुंजन जी हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? गुंजन जी बहुत सुंदर है, वेरी क्यूट गर्ल, बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। पहले मैं फिल्म बनाती थी तो उन्होंने काम किया है और आई एम श्योर शी विल डू वेरी गुड जॉब, ऑल द बेस्ट इंटायर टीम। गाने के बोल और म्यूजिक ये कितने पसंद आए दीपा जी आपको? अच्छा है, जैसे अभी चल रहा है एक्शन, तो एक्शन के बिना रिएक्शन नहीं होता है, तो एक्शन तो होना ही चाहिए। आई एम श्योर एक्शन फिल्म चलेगी और अच्छी बनेगी, दौड़ेगी, मैं यही कामना करती हूँ। हम तो यही चाहते हैं जब दर्शकों के लिए फिल्म बनती है तो हम चाहते हैं कि दर्शक इंजॉय करे, पसंद करे और फिल्म चले, यही हम लोग की कामना होती है। और कभी चलती कभी नहीं चलती है, लेकिन ये बहुत मुझे बहुत पॉजिटिव लगा क्योंकि नाम बहुत सुंदर है इसका, मधुबाला। इसका अगर गीत आपको याद हो दीपा जी थोड़ा सा गुनगुनाना चाहें? तू ही मेरी धड़कन में, तू ही मेरा जहां। अभी चल रही है तो आप लोग जरूर सुनिएगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आ रहा है सर। हाँ सर, ओके रोल। यस राजेंद्र जी, एक्शन क्वीन मधुबाला नई फिल्म है और नए किस्म का किरदार भी है, कुछ बताना चाहेंगे आप ऑडियंस को? अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्पेक्टर का रोल करते हुए देखा होगा क्राइम पेट्रोल में, इस बार इस फिल्म में मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ, खूंखार, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते वैसे कैरेक्टर में करने। यानी इस बार आप बंद हो गए अच्छे जेल के अंदर? नहीं, ये उम्मीद नहीं रखी, शायद ये मार डालेंगे मुझे इसमें, क्योंकि काम इतने खतरनाक कर रहा हूँ मैं इस फिल्म में, तो एक अलग कैरेक्टर करने को मिल रहा है मुझे। सनी जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। आपके ऊपर भी 10 लाख का इनाम है। 1 करोड़, 1 करोड़ का इनाम है मेरे ऊपर। हाँ, काम ही ऐसे करते हैं इसमें, इस फिल्म में, कि जितना हो सकता है हीरोइन को परेशान करके करके छोड़ा है मैंने, तो उतना इनाम तो बनता है मेरे ऊपर। गुलशन पांडे जी भी हैं इसमें पैनल? ये गुलशन पांडे जी है, मनीष राज शर्मा है हमारे, ये सारे मित्र हैं और सब लोग। अब तक आप लोगों ने हमको पुलिस के रोल में ही देखा है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हम कर सकते हैं, दिखाने का मौका इस फिल्म के जरिए मिल रहा है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, एक्शन पैक फिल्म है, गाने 3 गाने हैं इसमें और एक कम्प्लीट पैकेज है, आप लोग इन्जॉय कीजिएगा। ओके, थैंक यू सर।